दोस्तों, फाइनल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी शादीशुदा औरत को अपनी तरफ आकर्षित करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा भाव खाती है। अगर लड़की को पटाने की बात है तो भी सेम ही है। दोस्तों, आमतौर पर महिलाएं और पुरुष दोनों ही विपरीत स्वभाव के होते हैं, और इसके कारण किसी के मन को जीतना थोड़ा बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। मगर किसी भी औरत को या लड़की को चुटकी में पटाना है तो ज़रूरत है आपको आइडिया और नॉलेज की। किसी को इम्प्रेस करने से पहले ज़रूरी है सबसे पहले उसका दिल जीतने की, उसके दिमाग पर कंट्रोल करना, मगर ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। पुरुष औरत को पटाने के चक्कर में कभी कभार गलत काम और गलत रास्ता भी पकड़ लेते हैं, जो उसको नहीं करना चाहिए। मैं इस वीडियो में ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके उपयोग करने से आप अपने मकसद में बड़े आराम से कामयाब हो जाओगे। किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। किसी भी औरत को अपनी तरफ आकर्षित करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिसे आप फॉलो करके आप अपने मनपसंद लड़की को या औरत को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो और उनसे दोस्ती कर सकते हो, उन्हें अपना गर्लफ्रेंड बना सकते हो। नंबर एक, बेस्ट कपड़ों की चॉइस करें और स्मार्ट दिखे। दोस्तों, वैसे तो औरत ज़्यादातर सुंदर और स्मार्ट लड़कों को ही पसंद करती है, तो आप क्यों नहीं स्मार्ट बन जाते हो? हमारे देश में कहावत है, स्मार्ट बनो स्मार्ट दिखो, तो आप इसी कहावत को अपनी ज़िंदगी में उपयोग करो। आपको बॉडी के हिसाब से परफेक्ट ड्रेस चॉइस करना है और उसे पहनना है, फिर देखो आप कितने सुंदर लगते हो। नंबर दो, डेली फेस वॉश यूज़ करो। दोस्तों, कभी भी अपने चेहरे पर साबुन का इस्तेमाल ना करें। साबुन का उपयोग ओनली अपने बॉडी पर करें। चेहरे को साबुन से दूर रखें। चेहरे की फ्रेशनेस बनाए रखने के लिए हमेशा फेस वॉश का यूज़ करें। आपको मेडिकल में बड़े आराम से अच्छी कंपनी का फेस वॉश मिल जाएगा। आपको रोज उसे यूज़ करना है ताकि चेहरे की सुंदरता और ग्लोइंग बाहर आ सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर और हैंडसम दिखो। नंबर तीन, कॉन्फिडेंस। दोस्तों, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, ये एक ऐसी चीज है जो हर समय आपको प्रेरित करते हैं कि आप, हाँ, जो मैं करने जा रहा हूँ वो ज़रूर होगा। लड़कियों के मामले में भी ऐसा ही है। जब आप किसी लड़की को इम्प्रेस करने जा रहे हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, और शर्म को घर पर ही छोड़कर आना। अगर आप लड़की से बात करते समय शर्माते हो तो आप भूल ही जाना किसी लड़की को इम्प्रेस करने के मामले में। नंबर चार, आंखों में आंखें डालकर बात करें। दोस्तों, आई कांटेक्ट के बारे में आपने तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो मैं आपको समझाता हूँ। जब आप किसी औरत से बात करने जा रहे हो, मतलब उससे फेस टू फेस बात करने जा रहे हो, तो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना, आई कांटेक्ट करना, तब जाकर आपकी बात बनेगी और उस औरत को एहसास होगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। नंबर पाँच, व्यवहार में बदलाव लाए। दोस्तों, लड़का लड़की एक समान नहीं होता, मतलब जैसा आप अपने लड़के दोस्तों के साथ बात करते हो, उनके साथ मजाक करते हो, वैसे इस मामले में आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। किसी लड़की के साथ या किसी औरत के साथ आप अपने दोस्त जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। किसी औरत या लड़की के साथ बात करने के लिए अपने व्यवहार में चेंज लाना होगा, उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी, उसे सम्मान देना होगा, तभी जाकर लड़कियाँ या औरत आपको पहचानेगी कि हाँ, ये लड़का किसी अच्छे परिवार और किसी अच्छे खानदान से है और लड़का भी अच्छा है। अपनी बोली और बात करने का तरीका, चाल चलन, सब कुछ बदलना ही होगा आपको। नंबर छः, खराब शब्द उसके सामने ना कहें। दोस्तों, आप अपने दोस्तों के साथ बात 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 कर रहे हो और वही औरत आपके साइड में भी खड़ी है, तो समझ लो कि आपके दोस्तों से मजाक में गाली देकर बात करते हो, लेकिन इस समय आपको बिल्कुल भी गाली गलौज नहीं करना है। उस समय आपको थोड़ा शांत रहना है, अपने मजाक को कंट्रोल करना है, अपने ज़ुबान से गाली नहीं निकालना है। इस लड़की को या औरत को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि आप किसी आवारा किस्म के लड़के हो या आपकी भाषा बहुत ख़राब है, आप बात बात में गाली देते हो। उनके सामने आपको अच्छा बनकर रहना है। नंबर सात, बात की स्टार्टिंग बिना डरे करें। दोस्तों, अगर आप पहली पहली बार किसी गर्ल से बात करने जा रहे हो
तो आपको थोड़ा तो मुश्किल लगेगा उससे बात करने में, मगर आप डरिए मत। उसके साथ ऐसे बात करना जैसे आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो। कोई भी डर नहीं, कोई भी शर्म नहीं, जस्ट उनसे फ्रेंड के हिसाब से बात करो। मगर दिल धक धक करे तो भी कोई बात नहीं। सिर्फ एक बात को याद रखना कि उनके साथ बात करते समय आंखों में आंखें डालकर बात करना। कभी भी अपनी आंखों और सर को नीचे मत रखना। नंबर 8, मजाकिया बने। दोस्तों, महिलाएं ऐसे पुरुषों को दिल दे बैठती है जो ज्यादा मजाकिया होते हैं। चुपचाप रहना, किसी के साथ बात नहीं करना, किसी के साथ कम बात करना, सिर्फ घर पर बैठे रहना, ऐसे लड़कों को औरतें भाव भी नहीं देती। यदि आप में भी ये सारे गुण हैं तो उन गुण को आप अपने अंदर से डिलीट कर दो। मजाक करो, दूसरों को हंसाओ, तभी इम्प्रेस्ड करना आपके लिए बहुत आसान काम बन जाएगा। नंबर 9, एक्स के बारे में जिक्र ही नहीं करना। दोस्तों, अगर पास्ट में आपको आपकी कोई गर्लफ्रेंड रह चुकी होगी कोई लड़की, तो उस लड़की की तुलना इस लड़की या औरत के सामने हरगिज ना करें, उसको बताए नहीं। और अगर आपको बताना भी पड़े तो उसके बारे में बुरा भला ना कहे, बस इतना कहना सिचुएशन के कारण हमारा रिश्ता टूट गया। अगर ये औरत आपसे ये पूछे कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी क्या, तो आप डायरेक्ट उसे ना कहना। उनके सामने अपने एक्स का दर्जा हमेशा नीचा ही रखना। नंबर 10, दोस्तों, जब भी आप उस औरत से मिले जिसे आप इम्प्रेस करना चाहते हो, उनसे मिलते ही उन्हें छूने की कोशिश मत करना जब तक वो आपको छू ना ले। यदि आप पहले उनके बॉडी को छूओगे तो आप पर वो शक करेगी कि आप सेक्स के भूखे हो। उनको एहसास दिलाए कि आप उनकी केयर करते हो, उसको बहुत चाहते हो। इसके लिए उसको आपसे जो भी हेल्प चाहिए समय समय पर करते रहना। ऐसा सिचुएशन आ जाए कि उसको दुख पहुंचे तो उसके साथ रहना, हाथों में हाथ देकर ये जताना कि मैं हूं ना, अब कोई चिंता मत करना। वो सामने होते हुए कोई उसके खिलाफ कुछ भी बोले तो आप उसको ही धमका देना। आप उसके खिलाफ कोई भी बात नहीं सुन सकते, ये बात उसको फील करवाना है। दोस्तों, औरतें और लड़कियां दिल से नहीं दिमाग से पटाई जाती है। कैसे 30% लड़के बाकी के 70% औरतों को और लड़कियों को पटा लेते हैं, उन तरीकों को जानने के लिए, औरतों और लड़कियों के व्यवहार को और भी ज़्यादा गहराई से समझने के लिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल पर विजिट करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।